तो जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि वोल्टेज जो होता है वो कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में बढ़ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में बढ़ता है, इनके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। कुछ मैं सवाल दूंगा आपको जिसमें हम लोग इन चीजों को अप्लाई करेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बीसी के ही से उठा रहा हूं मैं। ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, और हमने एक बैटरी लगा दी और ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो क्वेश्चन इसके अंदर है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। एक मिनट का पॉज लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो सॉरी सीरीज में है अगर दोनों, तो सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल का बंटवारा होता है, जो भी पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे मुझे इसका ड्रॉप चाहिए, इसका फार्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, तो अगर मुझे इसका ड्रॉप चाहिए तो V1 जब मुझे निकालना है दिया जाएगा C2/C1+C2 V। तो अगर मुझे इसका ड्रॉप चाहिए ना तो मैं कैपेसिटेंस इसका लूंगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 6/3+6 इंटू बैटरी का पोटेंशियल था 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 6/9 2/3, तो ये 20/3 वोल्ट आ जाएगा। इसका जो ड्रॉप आएगा वो 20/3 वोल्ट आ जाएगा। इसका चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका जो आएगा वो C1/C1+C2 V के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कैपेसिटर का ड्रॉप निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई कहे इस पे चार्ज बताओ, बड़ी आसानी से चार्ज निकाल लेंगे। इसका जो चार्ज होगा Q/CV होता है, इसका ड्रॉप हमने निकाल ही रखा है। तो अगर मुझे कोई कहे कि इसका चार्ज निकालो, तो Q1 = C1 × V, C1 3 के बराबर है और V जो है वो कितना है 20/3। तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। कोई कहे इसका चार्ज बताओ, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पे सीरीज में है, तो इन दोनों पे चार्ज सेम ही आ जाएगा। इसका भी चार्ज 20 माइक्रो कूलम्ब होगा, इसका भी 20 माइक्रो कूलम्ब होगा, और इनके ड्रॉप इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और यहां पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देखें, ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इधर साथ में ये वाला 2 माइक्रोफेरेड का है और ये वाला जो है वो 4 माइक्रोफेरेड का है। एक्सक्यूज मी, ये 4 माइक्रोफेरेड का है और ये बैटरी जो है, ये बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो है ये है, फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। जो 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज बताओ, ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड और 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ये तो आपको आसानी से दिख ही रहा है, मतलब तो आपको समझ में आ रहा है इसमें से सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा वाला है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा वाला है। तो सीरीज पैरेलल बना के अगर देखा जाए इसका, तो इसका जो सीरीज पैरेलल बना करके आप देखेंगे तो सीरीज पैरेलल में जो वैल्यू आएगी अगर उसको ध्यान से देखें, तो ये देखिए 2 है ये 4 है, तो ये 2 है ये 4 है, तो इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा और ये 3 है, तो अब ये 3 और 6 ये 2 आ जाएंगे। देखे इधर ही आ गया 3 माइक्रोफेरेड और ये इधर आ गया 6 माइक्रोफेरेड और इसके अंदर ये बैटरी 9 वोल्ट की है। अब देखें ये 2 और 4 ये दोनों पैरेलल में थे ना, तो 2 और 4 6 हो गया। अब वो 6 मैंने जब यहां बना लिया तो मैं इसका ड्रॉप निकालता हूं, जैसे इसका ड्रॉप में V1 मान लूं और इसका ड्रॉप में V2 मान लूं, तो इसके क्रॉस ड्रॉप अगर मैं निकालूंगा तो V2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू C1, मतलब अगर इसका ड्रॉप निकालना है तो ये वाली कैपेसिटी लेते हैं, 3/3+6 × 9
ये 3 वोल्ट आ जाएगा, इसका ड्रॉप आ गया 3 वोल्ट। अच्छा ये इसका ड्रॉप 3 वोल्ट है तो इस कॉम्बिनेशन का ड्रॉप भी 3 वोल्ट ही होगा भाई, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था वही तो ये था, तो अगर इसका ड्रॉप 3 वोल्ट है तो ये वाला ड्रॉप भी 3 वोल्ट के बराबर होगा। इसी पूरे को तो मैंने यहां बनाया हुआ है, तो इसका ड्रॉप भी 3 वोल्ट के बराबर होगा। अब अगर इसका ड्रॉप 3 वोल्ट के बराबर हो गया तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, किसी भी कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो सी वी के बराबर होता है, तो सी इसका 2 है और वी 3 के बराबर है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो 2 × 3 यानी 6 वोल्ट के बराबर, सॉरी 6 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। भाई इसका ड्रॉप मैंने निकाल लिया, यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आया वो 3 वोल्ट आया, तो इस कैपेसिटर का ड्रॉप भी 3 वोल्ट होगा। अब 3 वोल्ट इसका ड्रॉप हुआ तो इस पर चार्ज सी वी के हिसाब से सी जो है वो 2 है और वी 3 के बराबर, तो 6 माइक्रो कूलम के बराबर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है भाई इसका चार्ज बताओ, इसका चार्ज अगर आपसे पूछे तो ड्रॉप इसका भी 3 वोल्ट है और कैपेसिटी 4 है तो 4 × 3 = 12 माइक्रो कूलम हो जाएगा। कोई इसका चार्ज पूछे, इसका चार्ज निकालने के लिए देखिए भाई, इसका ड्रॉप 3 वोल्ट था, टोटल 9 है, इसको 3 मिला था तो इसको 6 वोल्ट मिल जाएगा, तो इसका ड्रॉप हो गया 6 वोल्ट। अब इस पे कोई चार्ज पूछे तो इस पे चार्ज 6 × 3 = 18 माइक्रो कूलम के बराबर जाएगा। तो अलग अलग एलिमेंट के ऊपर चार्ज और अलग अलग जो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो सर्किट के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए होंगे, सीरीज पैरेलल के बहुत सारे रेजिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल हो गया, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। अब हम लोग कैपेसिटर में भी जो सीरीज पैरेलल होता है उसके बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसमें भी सिमेट्रिक सर्किट होता है, इसके अंदर भी हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है, इसके अंदर भी बैटरी और जो कनेक्शन होते हैं उस तरह के कनेक्शन होते हैं, तो इसके भी इसमें भी क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जितने भी टाइप के आपने रेजिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह के उसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग कुछ इसके सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन टेकअप करेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे एकदम सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करता हूं। ये 3 कैपेसिटर्स है मान लीजिए, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये पॉइंट A है, ये B है। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है फाइंड C इक्विवेलेंट across A and B, A और B के across C equivalent बताओ, A और B के across जो C equivalent है उसकी value बताओ। तो find C equivalent across A and B, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब हम C equivalent अगर निकालना चाह रहे हैं तो वैसे तो देखो, देखने में अगर आपको लगे तो देखने में तो ये अजीब सा सीरीज जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन वास्तव में आप सही से देखो ना तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे पैरेलल में है, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी ए बोल सकते हैं ना, वायर से जुड़ा हुआ है, इसको भी ए बोल सकते, इसका भी पोटेंशियल वही आएगा, इसको भी ए बोल सकते हैं और हम इसको भी ए बोल सकते हैं ना, एक ही वायर से सब जुड़े हुए हैं। ठीक, और जैसे अगर ये पॉइंट बी है तो फिर इसको भी बी बोल सकते हैं, सेम वही वायर है तो इसको भी बी और इसको भी बी बोल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो जो यहां से यहां तक का ड्रॉप है वही यहां से यहां तक का ड्रॉप होगा, वही यहां से यहां तक का ड्रॉप होगा, तो ये 3 कैपेसिटर्स देखने में आपको भले चाहे जैसे लग रहा हो लेकिन ये तीनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप सेम है, तो अब बस हो गया, खत्म हो गया सवाल। अगर ये तीनों का ड्रॉप सेम है तो ये 3 के तीनों पैरेलल में जुड़ गए, 3 के तीनों अगर पैरेलल में जुड़ गए, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा That will be equal to C1 plus C2 plus C3. ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ रहा है कि देखिए, एक और हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कैपेसिटर का, कि ये एक हेक्सागन है और इसके हर साइड पे एक कैपेसिटेंस C लगा हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन आता है फाइंड, पहला आता है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, एक मिनट का पॉज लेंगे, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं उसको देखेंगे।
तो अगर आप ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं और आपको जरा सा भी स्लाइटेस्ट ऑफ द कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, अगर आपको दिख रहा है साफ साफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इसमें मैं क्या करता हूँ या हम लोग किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, हम ए और बी के बीच एक अपनी तरफ से बैटरी लगा देते हैं। अपनी तरफ से बैटरी लगाने से कोई मतलब ऐसा नहीं कि बैटरी क्वेश्चन की सिचुएशन में आ जाएगी, लेकिन बैटरी लगाने से फायदा ये होता है कि हमें सीरीज और पैरेलल दिखने लगते हैं। जैसे अगर बैटरी ए और बी के बीच लगी गई है तो ये जो कैपेसिटर होगा वो ये वाला ये वाला ये वाला ये पांचों सीरीज में आ जाएंगे। अच्छा, पांचों अगर सीरीज में आ गए तो सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, पांच सीरीज में आ गए तो इन पांचों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो सी बाई फाइव हो जाएगा और उसके साथ ये आपस में पैरेलल में आ जाएगा। तो इसी को अगर हम बनाना चाहेंगे ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, सी बाई फाइव हो गया और ये सी हो गया, पांचों पैरेलल में सीरीज में थे ना, तो सीरीज में वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी करके होगा तो ये सी बाई फाइव हो गया और ये वाला सी हो गया। अब आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट चाहिए तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सी वन प्लस सी टू सी बाई फाइव प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स सी बाई फाइव आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट बनता है, जैसे इसका सिक्स सी बाई फाइव आ गया, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो दूसरा पार्ट बनता है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट डी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट आपको बताना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी जो पॉइंट्स हैं इनके बीच इक्विवेलेंट बताना है। अगला जो पार्ट है उसको ट्राई करें आप। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जैसे आप एक मिनट का पॉज लेके एक दो मिनट का फिर ट्राई करें और फिर मैं इसको बताने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे बताऊंगा मैं, अगर मुझे ए और डी के बीच निकालना है तो ए और डी के बीच अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है तो देखेंगे ए और डी के बीच ये जो तीन होंगे ये सीरीज में आ जाएंगे और उधर से ये वाले तीनों सीरीज में आ जाएंगे, ये सी और सी और सी सीरीज में अगर लिखेंगे हम तो ये तीनों मिला के सी बाई थ्री हो जाएगा, उसी तरह से ये तीनों मिला के भी सी बाई थ्री हो जाएगा और ये वाला सी बाई थ्री और ये वाला सी बाई थ्री वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम सीधे इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, सॉरी ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट डी था, ये तीन के तीनों सीरीज में आ गए ए से डी तक इधर वाली ब्रांच में सीरीज में, तो तीनों सीरीज में तो सी बाई थ्री, इधर वाला भी सी बाई थ्री और वो आपस में पैरेलल में आ गया, तो ये सी बाई थ्री और सी बाई थ्री, तो कुल मिला के जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा इस केस में दैट विल इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं दोनों तो ये टू सी बाई थ्री के बराबर हो जाएगा ये सॉल्व करने पर। तो देखिए हम लोग सीरीज पैरेलल के सवाल जो कर रहे हैं उसके अंदर कुछ और, जैसे सीरीज पैरेलल के मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं। एक ये मान लीजिए ऐसे हो गया, ये कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये तीन कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर यहां भी लग गया है और एक कैपेसिटर यहां भी है, इनको ए बोल दिया मैंने, इसको बी बोल दिया, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस सी है, इस वाले का टू सी है, इसका थ्री सी है और इसका इस वाले का जो है वो फोर सी है और इस वाले का सिक्स सी है, ऐसा बता रखा है, इसका C, इसका 2C, इसका 3C, इसका 4C, इसका 6C। क्वेश्चन वही है, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, A और B के बीच तुल्य धारिता, हिंदी में इसको तुल्य धारिता कहते हैं, वो कितना होगा A और B के बीच, ठीक है। तो अगर हम A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तुल्य धारिता निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, एक मिनट का पॉज आप रखें, एक मिनट के लगभग डेढ़ मिनट का पॉज रखें और पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखें। देखिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन वाले जो होते हैं इनमें बेनिफिट तभी आपको ज्यादा मिलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जो फैकल्टी मेंबर है उसने जो आपको सॉल्यूशन दिया है उसको देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या आपको डिफिकल्टी आने वाली थी और जब वो
सॉल्यूशन उसका आपके सामने आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये डिफिकल्टी थी और इस वजह से ये क्वेश्चन हो रहा था या इस वजह से नहीं हो रहा था। थोड़ा पॉज दिया करें सब लोग। तो चलिए खैर, ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर एक ये समझ में आता है कि हम ये जो ब्रांच है ना, ये जो बीच वाली जो बीच वाला जो ब्रांच था, हम इसको अगर बाहर निकाल लें, ऐसे कर लें इसको, अगर मैं ए को यहां लेके चले जाऊं, ये जो ए यहां पर था, इस ये जो इतना पार्ट था ना, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। ये ए पॉइंट ये रहेगा, बी ये रहेगा, इसका कैपेसिटेंस है 2C और इस वाले का कितना था 4C, और जो यहां पर आया था ये सी था, ये 3C था, ये 6C था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखें तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज यहां साफ दिख रहा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप देखेंगे तो इसका इसका रेशियो जो है वो इसके इसके रेशियो के बराबर आ रहा है, 2C/4C, ये 1/2 आएगा इसका रेशियो, और ये 3C/6C, ये भी 1/2 आ जाएगा, तो इसका रेशियो बराबर आ रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर आपको याद होगा कि अगर इसका इसका रेशियो इसके इसके बराबर होता है तो बीच वाली जो ब्रांच होती है वो खराब हो जाती है, यानी कि ये जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाएगा। अगर इसका इसका रेशियो इसके इसके बराबर है तो बीच वाली ब्रांच, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है और ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है। तो हम इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं। अब हटा देंगे तो ये 2C और ये 3C, ये जो 2C है और ये 3C, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, और इधर ये 4C और 6C सीरीज में आ जाएंगे। ये आपका 2C, ये हो गया 3C, ये वाला हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा 6C, ये इस तरह के अरेंजमेंट हो जाएंगे। अब ये दोनों सीरीज में है, अब ये दोनों अगर सीरीज में है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट लिखें तो C1C2 का क्या हो जाएगा, C1C2/C1+C2, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का लिखें 2×3/2+3, तो ये हो जाएगा 6C/5, और इनका जो हो जाएगा 4×6/4+6, तो 4×6 हो गया 24 और 4×6 हो गया 10, तो 24/10 आ जाएगा। तो ये इसकी तो वैल्यू आ गई 6C/5, और इसकी आ जाएगी 12C/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6×4 24/10, 24/10 कितना हो जाएगा 12/5, तो 12C/5 हो गया। अब हम ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसको अगर हम फाइनल सी इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6C/5+12C/5 सॉल्व करने पर ये जाएगा 18C/5, ये इस तरह से इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा कैपेसिटेंस। अब जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं पर्टिकुलर जिसके अंदर सिमेट्री होती है, यानी लेफ्ट की सिमेट्री होगी, कभी राइट से सिमेट्री होगी, कभी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब होता है हर तरफ से एक जैसा। लेफ्ट, जैसे मैं अपने आप को देखूं तो एकदम अगर बीचों बीच से देखा जाए तो हम लोग एकदम बीच से सिमेट्रिक हैं, जैसे लेफ्ट में वैसे राइट में है, तो इसी को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो सिमेट्री पर बेस्ड होते हैं, और सिमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसमें जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब सी हैं, तो ईच कैपेसिटर इज सी, जितने भी कैपेसिटर हैं सब सी हैं। अब इसमें हमें इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो है हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप 3 मिनट का पॉज देंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जो है जब आप देखेंगे सॉल्यूशन तो फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आप देखिएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको यहां सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पहला जो तरीका है वो सिखाने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है, समझिएगा इस बात को, ये जो सर्किट है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा ये जो लाइन में मान रहा हूं एकदम बीचों बीच से, जैसा ये इस तरफ है ठीक वैसा इस तरफ है। तो अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूं कि जितना चार्ज इस वाले कैपेसिटर में होगा उतना ही इस कैपेसिटर में होगा, यानी यहां से जो भी चार्ज चलेगा उस सारा का सारा चार्ज इस कैपेसिटर में चला जाएगा और इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं रहेगा।
फिर से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो जैसा इस लाइन के इधर है वैसा ही ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये लाइन देखिए ऐसे इस टाइप से एक लाइन जो मैं बना रहा हूँ, इसको बीच से जो काटने वाली लाइन है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा इस लाइन के इस तरफ है वैसा इधर है, तो जो इस पे चार्ज होगा वो इस पे चार्ज होगा, और अगर इस पे चार्ज सेम होगा तो इसका मतलब जो चार्ज यहां से गया है वो इधर चला जाएगा और इसको कोई चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से सिमेट्री के कारण इस पे और इस पे चार्ज सेम आ जाएगा, तो जो भी चार्ज इधर से चला है वो सारा का सारा चार्ज इधर चला जाएगा और इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होने की वजह से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर जो है इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो भी चार्ज इधर से जाएगा वो सारा इधर चला जाएगा, ये दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए सिमेट्री के कारण, इन दोनों पे भी चार्ज सिमेट्री के कारण सेम होना चाहिए। अच्छा, जो सिमेट्री आर्गुमेंट होता है वो एक फील करने वाली बात होती है, उसको ऐसा नहीं कि उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है, ये आप फील कर सकते हैं कि चूंकि इस लाइन के अबाउट एकदम एक जैसा है तो जैसा इधर होना चाहिए वैसा इधर होना चाहिए, इन दोनों के ऊपर चार्ज जो आएगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये जो ये वाला है और ये वाला, इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ जाएगा, और अगर इन दोनों पर चार्ज सेम आ गया तो इस वाले पर कोई चार्ज नहीं होगा। सेम आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि इस वाले पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो अब ये दोनों कैपेसिटर जो है ये बेकार हो गए। अब अगर कैपेसिटर पर चार्ज नहीं तो किस काम का, जिस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं वो बैंक अकाउंट किस काम का, तो ये कैपेसिटर जो है इन दोनों पे चार्ज नहीं है तो ये यूजलेस हो गया, तो इनको हटा देते हैं, हम हटा देंगे तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दो ऊपर वाले सीरीज में आ गए, ये दो नीचे वाले सीरीज में आ गए, और ये भी सीरीज में आ गए, ये वाले भी सीरीज में आ गए, ये वाला हट गया, ये वाले सीरीज में ऑलरेडी है, ये वाले भी सीरीज में आ गए, ये बीच के दो कैपेसिटर हटा दिए हमने। अब ध्यान से देखें, ये सी है और ये सी है, सी और सी जो है इनका इक्विवेलेंट जो आएगा क्योंकि सीरीज में है तो सी बाई टू हो जाएगा, ये सी बाई टू हो जाएगा, उसी तरह से ये सी और सी सीरीज में है इसका भी सी बाई टू हो जाएगा, उसी तरह से ये दोनों भी सीरीज में है तो इसका भी सी बाई टू हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू पैरेलल में है, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू हो जाएगा थ्री सी बाई टू के बराबर, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू थ्री सी बाई टू के बराबर आ जाएगी। कोई आया है को करने का एक तो तरीका मैंने अभी आपको सिखाया, दूसरा तरीका जो होता है वो फोल्डिंग मेथड होता है। ठीक है, फोल्डिंग मेथड क्या होता है, सेम वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया वही क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम लोग फोल्डिंग मेथड सीखेंगे। फोल्डिंग मेथड ये होता है कि जैसे मैंने बोला था ना भाई, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो अगर सिमेट्री इस लाइन के अबाउट है तो सिमेट्री इस लाइन के अबाउट भी तो होगी, ये वाली जो लाइन है इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, ये इस लाइन के अबाउट भी सर्किट सिमेट्रिक होगा, इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम इस लाइन के अबाउट सिमेट्री देखें तो इस लाइन जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट एकदम एक जैसे हो गए। अब ये दोनों पॉइंट एकदम एक जैसे हो गए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। उसी तरह से सेम ये इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाले हो जाएंगे। तो हम इसमें फोल्डिंग मेथड क्या लगाते हैं, इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट पे गिरा देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। जैसे ये दो हिस्से थे मान लीजिए, तो ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके नीचे वाले पार्ट पे गिरा देते हैं। तो फोल्ड करने के बाद क्या सिचुएशन आएगी जरा देखिए, फोल्ड करेंगे तो ये वाला कैपेसिटर इस पर गिरेगा और ये वाला जो कैपेसिटर है वो इस पर गिरेगा, ये वाला इस पर गिरेगा, ये वाला इस पर गिरेगा, ये दोनों किसी पर नहीं रहेंगे, ये दोनों वैसे ही रहेंगे। तो इन दोनों को तो मैं वैसे ही बना देता हूं, और अगर ये वाला जब इस पर गिरेगा तो ये सी और ये सी दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में होने का मतलब टू सी हो जाएगा, तो ये जो आएगा ये टू सी हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला जो कैपेसिटर है वो इसके ऊपर गिरेगा तो ये सी और सी ये भी टू सी हो जाएगा, ये भी टू सी हो जाएगा, ये वाला सी है ये वाला सी है, और इसी तरह से ये वाला इसके ऊपर गिरेगा तो ये भी टू सी हो जाएगा, ये इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये फोल्ड कर दिया हमने, और इसको भी केयरफुली देखें तो इसका रेशियो इसके बराबर हो गया, तो ये वीट स्टोन ब्रिज बन गया। वीट स्टोन ब्रिज बनते ही ये बीच वाला कैपेसिटर खराब हो गया, तो इसका रेशियो देखेंगे तो इसके बराबर आ रहा है, ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो अब ये बीच वाला कैपेसिटर खराब हो गया, वीट स्टोन ब्रिज में जो बीच वाला होता है यूजलेस हो जाता है, तो ये हट गया। अब हट गया तो जैसे ही हटेगा तो ये दोनों सी सीरीज में और ये वाले दोनों सीरीज में, तो अब ये सॉल्व करने पर ये सी और सी सीरीज में कितना हो जाएगा, ये सी और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा
सी बाई टू, और इस टू सी और टू सी का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो सी हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट जो आएगा, अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो सी प्लस सी बाई टू, यानी जो इक्विवेलेंट आएगा ये थ्री सी बाई टू के बराबर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ फोल्डिंग मेथड क्या है, इस लाइन के बॉर्ड सिमेट्री है, इस लाइन के बॉर्ड सिमेट्री होने के कारण हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे को उठा के इस पे डाल सकते हैं, ये इस पे गिर जाएगा, ये सी और सी पैरेलल में टू सी, ये सी सी पैरेलल में टू सी, फिर ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये भी टू सी हो जाएगा, ये दोनों सी बचे रहेंगे क्योंकि ये अकेले हैं। अब देखा जाए तो इसका इसका रेशियो इसके इसके बराबर है, तो व्हीट स्टोन बन गया, ये वाला कैपेसिटर हटा दो, ये हटा दो, ये सी बाई टू हो गया, ये सी हो गया, तो ये थ्री सी बाई टू बराबर आ जाएगा। सिमेट्रिक सर्किट में और भी बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं तरह तरह के जो वैरायटी के होते हैं, कुछ वैरायटी के क्वेश्चन में देखिए अपना पर्पस क्या है, कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अपना पर्पस ये है कि जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है आईटी पीएमटी के हिसाब से, वो सारे हर वैरायटी का एक सवाल हम लोग कर लें। तो जब हर वैरायटी का एक एक सवाल आप कर लेंगे और उसके बाद जब उस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अपना पर्पस ये है कि हर टाइप के एक सवाल यहां पर रहे। तो अब जैसे एक सवाल इसके अंदर ये बनता है हेक्सागोन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको रेजिस्टेंस में भी कराया था, लेकिन ये कि रेजिस्टेंस में भाई रेजिस्टेंस के कंसेप्ट लगते थे, कैपेसिटेंस के लगे थे। ये इस टाइप का एक सवाल बनता है, इसके अंदर मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है, और जितने भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सबके सब सी के बराबर, मैं लिख देता हूं ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी, ईच कैपेसिटर जितने भी है सबका कैपेसिटेंस सी है, फाइंड equivalent, find C equivalent between A and B, C equivalent between A and B, जितने भी आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं हेक्सागोन के पास, ये जो हेक्सागोन है इसके पास जितने भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सारे ब्रांचेस में सबकी वैल्यू C के बराबर है, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है। आप क्या करेंगे, 3 मिनट का पॉज लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे कि भाई कैसे सर ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब जैसे ये देखा जाए तो इसमें भी सिमेट्री है, अगर आप ये वाली लाइन देखें, ये सिमेट्रिक सर्किट के सवाल है, ये वाली लाइन देखें, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है इसका मतलब क्या है, इसका फायदा हम ये उठा सकते हैं कि अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है इसका मतलब कि इसमें और इसमें चार्ज सेम होगा, इसके और इसमें चार्ज सेम होगा, इन दोनों में चार्ज सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा, मतलब इस लाइन के अबाउट जैसा सर्किट उस तरफ है वैसा ही सर्किट इस तरफ है। तो इस लाइन के अबाउट अगर आप देखेंगे तो जो चार्ज इसमें आएगा वही इसमें आएगा, जो इसमें चार्ज आएगा वही इसमें आएगा। अब थोड़ा बारीकी से देखना, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों देखो आपस में जुड़े भी हैं और इनमें चार्ज भी सेम है, तो अगर इन दोनों में चार्ज भी सेम है और ये दोनों आपस में जुड़े भी हैं, इन दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज में मान सकते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज में मान लेंगे तो बात ही खत्म हो गई। अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में मान लेंगे तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ये इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने, ये इसको ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए ये सवाल आसान हो गया, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होने की वजह से इसका इसका चार्ज सेम था, ये दोनों आपस में जुड़े भी थे, तो हमने इन दोनों को डायरेक्ट सीरीज में कर दिया, यहां से कनेक्शन हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। अब देखिए अब हो गया काम अपना, ये सी बाई टू है, सॉरी ये सी है और ये सी है, दोनों सीरीज में आ गए, तो सी और सी सीरीज में सी बाई टू, उसके साथ ये पैरेलल में तो थ्री सी बाई टू। तो अब अगर इस सर्किट को हम रीड्रॉ करें तो यहां देखिए ऐसा हो जाएगा, इधर सी, ये वाला सी होगा और ये सी बाई टू, ये सी बाई टू और ये सी, तो थ्री सी बाई टू, फिर से सी, ये सी, ये थ्री सी बाई टू, ये सी, बीच में ये दोनों सी और सी ये है, और इधर भी देखेंगे ये सी बाई टू, ये सी और सी सी बाई टू, उसके साथ ये सी पैरेलल में थ्री सी बाई टू, ये आ जाएगा सी थ्री सी बाई टू सी,
सी, ये वाला हो जाएगा, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये 3C/2। ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें तो पहले तो ये जो तीन सीरीज में है इनका इक्विवेलेंट मैं निकाल लेता हूँ, ये तीन जो सीरीज में है इन तीनों का मैं लिखूं, तो अगर मैं 1/C' लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3C हो गया। अब ये 1/C' कितना आएगा, ये 3C कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3 + 2 + 3, तो C' की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3C/8, तो C' जो आएगा वो 3C/8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट 3C/8, यहां से यहां तक का C/2, फिर यहां से यहां तक का 3C/8। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखूंगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ, इस वाले का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ, या चलो नीचे बना देता हूँ, तो यहां से यहां तक का जो इक्विवेलेंट आया था वो 3C/8 आ गया था, फिर यहां से यहां तक का ये सीओ सीरीज में था तो C/2 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक का 3C/8, मतलब ये 3C/8, ये नीचे वाला भी 3C/8, और ये बीच वाला C/2। अब ये तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल में थे तो इनका इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा तीनों का जोड़ 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो जैसे 8 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 3C + 3C + 4C, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा 4 + 3 = 7 और 3 = 10, तो 10C/8 ये आ जाएगा। या फाइनली जो C इक्विवेलेंट आएगा अगर हम उसको लिखेंगे तो ये 5C/4 हो जाएगा, फाइनली जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो 5C/4 के बराबर जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होने की वजह से ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए, ये सीरीज में आ गए, तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये सी, ये सी और सी C/2 और प्लस सी 3C/2, और ये सी, ये 3C/2, ये सी यहाँ लिख दिया मैंने, सेम उसी तरह से नीचे का सी 3C/2 सी लिख दिया, फिर ये सी हो गया, ये भी सी हो गया। अब एक ये ब्रांच हो गई जो कि सीरीज में थी, इसका इक्विवेलेंट C' आया, ये वाली ब्रांच सीरीज में थी इसका भी C' आया, और इन दोनों का सी और C/2 आ ही जाएगा, तो ये 3C/8 इधर, 3C/8 इधर, भी C/2 इधर, सबको सीरीज में जोड़ किया मैंने, 1C1 + C2 + C3 सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गया।